गोरखपुर शहर में चल रहे हुक्काबारों में रविवार को एंटी रोमियो की टीम के साथ चार थाना क्षेत्रों की पुलिस की संयुक्त टीम ने गोलघर स्थित मंगलम टावर में चलने वाले दो हुक्काबारों पर छापा मारकर सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान हुक्काबार में मौजूद युवकों से पुलिस ने पूछताछ की और चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया। इस दौरान हुक्काबार संचालकों से पुलिस ने उनके लाइसेंस के बारे में और बार में नशीले पदार्थों के प्रयोग के बारे में पूछताछ की। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एंटी रोमियो टीम प्रभारी संदीप सिंह के साथ कैंट थाना कोतवाली और खोराबार की पुलिस मौजूद रही। आईडी दिखाओ अपना। आईडी दिखाओ नहीं अभी 10 दिन पहले अब ध्यान नहीं रखते तो रिपोर्ट जाएगा सर। एक हफ्ते बंद हो जाएगी तुम्हारी हुक्का बार। इनका संजय जो इनके प्रबंधक है मैनेजर इनका नाम पता नोट कर फोन नंबर नोट कर लो है एसपीसीडी साथ के सब एक वीडियो बनवा लीजिए ये लड़के हैं राजू अभी लेना आप फोटो भी लेना अपने दोस्त के लिए अरे इधर देख मैं आता हूँ मेरी है कब तक आते हैं कल का जॉब वगैरह तुम लोगों ने कुछ ही लगा रखा है यार आप ऑनर है या यहाँ के मैनेजर क्या ऑनर है ये कोई नहीं ध्यान देगा तो यहाँ पर असुविधा पैदा होगी और यहाँ के दोस्तों को हमारी टीम आ रही है नहीं बस एक बार आपको और एक दूसरी चीज़ आप यहाँ एक बोर्ड लगाएंगे इसमें दिशा निर्देश आप लिखेंगे इसके कुछ मानक तय किए गए होंगे ना उसका बाद का लाइसेंस किसने दिया आपको बनता फ्रूट वूट्स के नाम पे सर ये सितंबर 2000 नहीं नहीं
इसके कुछ मानक निर्धारित है आपके यहाँ आने जाने के अंडर 18 है ओके जो भी बैठता है उसकी आईडी चेक करती है विदाउट आईडी किसी की सबसे पहली यही चीज है कि अंडर 18 वाला और दूसरी चीज इन दोनों चीजों में भी ध्यान रखना ठीक है अभी तो यूनिफॉर्म में सब आए हो सकता है हमारी इंटेलिजेंस की टीम आए वो दो चीजों पे आप लोग की शिकायत हो रही है कि आप लोग अल्कोहल भी सर्व करके दिया और धीरे धीरे टोबैको भी हो जाता है यहाँ से शिकायत है सामूहिक बात बता रहा हूँ एक पूरी ठीक है नंबर क्या नंबर ले रहा हूँ कितने दो है क्या दो चेक कर लिया जाए और ये ना